का नाम रहेगा, जब जब सूरज चांद रहेगा, नाबाजे का नाम रहेगा, नाबा शक्ति अमर रहे, नाबा शक्ति अमर रहे, नाबा शक्ति अमर रहे। मैं नाबा समाया सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, भारत माता की जय, गौ माता की जय। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे गोस्वामी श्री गुरु नाबा दास जी का जन्मदिन 8 अप्रैल पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हमने 8 तारीख को एक भव्य जो बाबा जी का जन्मदिन मनाया, उसमें हमारे संत महात्मा अतिथिगण सभी समस्त बिरादरियों के लोगों ने हमारा सहयोग किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनसे अपील भी करते हैं कि इसी तरह हमारा आगे भी हमारा सहयोग बढ़ाएं और हमारे समाज के साथ साथ हमारी जो मंदिर निर्माण है उसमें भी हमारा सपोर्ट करें। जहाँ तक मंदिर की बात है, हम बताना चाहते हैं कि हर साल की तरह जब हमारा फंक्शन ख़त्म होता है तो हम लेखा जोखा जरूर बताते हैं। इस साल जो हमने कलेक्शन के बाद हमारे पास 1,25,000 रुपये के लगभग बचा है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा। मैं बाकी भी अपने समाज के सभी युवा से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि हम एक संकल्प लें कि मंदिर निर्माण में हमारा सहयोग दें ताकि हम यहां एक कम्युनिटी हॉल बनाएं, क्योंकि आप सबको ज्ञात होगा कि कठुआ में सभी बिरादरियों के कम्युनिटी हॉल हैं, हमारा कम्युनिटी हॉल यहां नहीं है। तो मैं सब लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, खासकर अपनी बिरादरी से, कि ये एक प्रण लें कि हम यहाँ कम्युनिटी हॉल बनाएं और 2 कमरों का हम निर्माण करने जा रहे हैं। जो हमारी टीम का, जो हमारी कमेटी है, इनका काफ़ी सहयोग रहा है। जो इस फंक्शन को हमारे जो हमारा फंक्शन एक अच्छा फंक्शन हुआ है, जो सुजानपुर से सभी गुरु महात्माओं का वहाँ आशीर्वाद मिला है, तो मैं इतना ही कहते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ लोग जो जिन्होंने 2 अप्रैल को एक प्रेस वार्ता में कहा कि हम अपना फंक्शन जो है वो आगे लेके जा रहे हैं मौसम की वजह से, फिर आज तक वो द्वारा एक प्रेस के माध्यम से बताते हैं कि हम पे झूठे आरोप लगाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आज हमारी बिरादरी पिछले 20 सालों का हिसाब उनसे जानना चाहती है। जय गुरु नाबा। मंदिर के निर्माण जितने भी बुजुर्गों ने बांध साथ दिया, सभी बिरादरी के लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मैं कुछ 2-4 बातें जो हैं वो रखना चाहता हूँ। एक बिरादरी के पक्ष में भी रखना चाहता हूँ, दूसरा मंदिर के पक्ष में भी ये बात रखना चाहता हूँ कि मंदिर निर्माण जो है वो बुजुर्गों ने साथ दिया, जो हमारे मुलाजिम थे, जो रिटायर आ गए थे, उन्होंने हर महीने अपना पैसा योगदान देकर हर महीने 1,000 रुपया देकर ये मंदिर के लिए ये पैसा इकट्ठा किया और आज पूरे कठुए के अंदर और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मंदिर सभी को दिखाई देता है। ये मंदिर है हमारी बिरादरी का और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बना हुआ है। तो मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे सरपंच साहब ने कहा कि जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं, जो लोग पब्लिक देती है, कुछ तो फंक्शन पर लग जाता है, कुछ खाने पीने पर लग जाता है, कुछ टेंट पर लग जाता है, जो पैसा बचता है वो पैसा 1,25,000 रुपया वो है, वो पब्लिक का जो हमारे पास बचा हुआ है उसके लिए, मंदिर के निर्माण के लिए वो काम करेंगे। तो मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, लोग बिरादरी को बांटना चाहते हैं कठुआ के अंदर, जो लोग बाबा जी के दरबार में नहीं आना चाहते, मैं उन लोगों को ये पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग जो है दिसंबर 2018 में वहाँ हमारी माशा बिरादरी का वहाँ इलेक्शन हुआ, तो उसका टाइम पीरियड कितना था, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं वो ग्रंथ, वो संविधान आपको मंगा कर देता हूँ कि उसमें टाइम कितना है और कितने साल का टाइम होता है। वो लोग आज भी अपने आप को वो कहते हैं कि हम माशा बिरादरी के ठेकेदार हैं और माशा बिरादरी के जो है वो माशा बिरादरी के हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं कठुए के। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि फिर उसका टाइम पीरियड कितना है और समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा कि जो स्वामी गुरु नाबा दास का जहाँ गेट लगा हुआ है उसमें भी एक उन्होंने एक पॉपुलेट लिखा हुआ है कि हम माशा बिरादरी के कठुआ के माशा बिरादरी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। आप मंदिर में नहीं आते हैं तो आप गेट पे पोस्टर लगाने वाले हैं कौन है, क्या आप गेट के ऊपर जो मंदिर के निर्माण के लिए गेट बना आप कौन है उस पर पोस्टर लगाने वाले। मैं उन लोगों को चैलेंज भी करता हूं कि अगर वो लोग ऐसा लिखना बंद नहीं करेंगे तो हम उन पर कोर्ट केस ठोक देंगे कि पब्लिक को जो गुमराह करते हैं और समाज के बांटने की कोशिश करते हैं। आपके कुछ दिनों में मनाएंगे, क्या संदेश है? मेरी तरफ से यह है कि अगर गुरु महाराज जी का प्रोग्राम कर रहे हैं हम, तो अपने घर पे मनाए, आप कहीं भी मनाए, लेकिन ये गलत लिखना छोड़ दो। जहाँ ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो मंदिर बना है, अगर आप चाहते हैं कि हम गुरु के बहुत बड़े भक्त हैं,
तो वो दरबार में आकर कभी, जब से ये मंदिर बना है उन लोगों ने कभी दरबार में आकर कभी मथा नहीं टेका है, कभी देखने नहीं आए हैं। वो कहते हैं कि हम उस मंदिर में कदम तक नहीं रखेंगे, अगर कदम तक नहीं रखे तो एक मंदिर और बनाकर दिखा दो, मैं मानूंगा कि बाकी अन्य लोगों के भी पास पाप रहे, ये मंदिर बनाएंगे। धन्यवाद। हम जहाँ पर जहाँ हमारे बाबा नवदास जी महाराज की जय, हम जहाँ कठुआ बाबा नवदास जी के मंदिर में जो हमारा फंक्शन हुआ है उसके उपलक्ष्य में आज हमने इधर एक बैठक रखी है, और हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमने प्रोग्राम किया है आप सबके, जो हमारे शहरवासी हैं सभी के सहयोग से जहाँ ये सफल हुआ है, और उनका हम थैंक्स करना चाहते हैं कि जिन्होंने अपना सभी ने कीमती टाइम निकालकर हमारे इस बाबा जी का प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है। तो हम आज यहाँ आए हैं कि जो हमारा इधर हमारे जो बच्चा है, जो हमारा इन्होंने जितना भी इधर जो उनका बचा है कुछ, अब आगे की जो इनकी वो चल रही है स्कीम की, आगे हम बाबा जी का इधर मंदिर बनाएंगे, उसका निर्माण करेंगे, कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक बढ़िया स्थान है, हर जो भी हमारा समाज का हर किसी की यहाँ नज़र पड़ती है, और आज 2-4 सालों में इतना इसका मतलब डेवलपमेंट हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सहयोग से ये बढ़िया से बढ़िया लगेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट हमें दिया है शहरवासियों ने, जो हमें गिफ्ट दिया है, ये उनका भी थैंक्स करना चाहते हैं कि ये बहुत बढ़िया जगह है, और हमारा घर जहाँ बाबा जी का एक स्थान बना हुआ है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। कहते हैं कि घर परिवार से होता है और परिवार घर से होता है, तो जहाँ घर ही नहीं है तो वहाँ परिवार क्या करेगा, तो जहाँ परिवार है वहाँ घर ही नहीं है तो परिवार क्या करेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारा सहयोग दिया और इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा हमने करके दिखाया, और आने वाले समय में इससे और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। मैं सभी अपने शहरवासियों का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और जो मेरी कमेटी मंदिर की कमेटी है तो उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने बड़े प्यार और सद्भावना से इस प्रोग्राम को सफल किया। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, और मैं एक मैसेज और देना चाहती हूँ कि जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं ना कि जहाँ वहाँ वो आए थे पार्टी वाले, दूसरी पार्टी वाले आए थे, हम एक समाज में रहते हैं, हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो हमें ये गर्व होना चाहिए कि चाहे हमें पार्टी शार्टी से कुछ नहीं लेना है, ये गुरुजी का प्रोग्राम था, इधर हम मना नहीं कर सकते। जिसकी श्रद्धा होगी गुरु के प्रति, चाहे गुरु कोई भी गुरुद्वारा है, वैष्णो देवी है, या कोई भी अगर हमारे सनातन धर्म का कुछ भी चल रहा है, चाहे हमारा बिरादरी का चल रहा है, सभी के लिए एक होना चाहिए। ये नहीं है कि वो आए हैं, ये प्रोपेगेंडा प्लीज बंद करिए, इससे ये जो समाज में मैसेज गलत जा रहा है, और आने वाले समय में इस ये बहुत बुरा इसका अंजाम होगा, क्योंकि ऐसे प्रोपेगेंडे बंद करिए। जहाँ समाज में अच्छा कोई सोच रहा है वहाँ हर कोई आता है, हम सारे मिलजुल कर हर त्योहार इकट्ठा मनाते हैं, तो फिर अगर बाबा नवदास जी के इस प्रोग्राम में अगर कोई भी आया है, चाहे कोई भी किसी किस्म का भी कोई आया, तो हमें मिलजुल कर जो इसको सेलिब्रेट किया है, मैं तो तहे दिल से भी उनका शुक्रिया अदा करती हूं।